तो अभी हमारे आज जो मीटिंग हुआ प्रशासन के साथ में, इस मुद्दे पर क्या क्या चर्चाएं हुई, हमारे राष्ट्रीय सरना धर्म गुरु पन्ना तिग्गा जी बताएंगे। तो गुरु जी आप बताइए कि आज जो मीटिंग हुआ। आज सबों को जय धर्मेश जोहार। आज बहुत अच्छी मीटिंग हुई है। हमारे प्रखंड के प्रशासनिक पदाधिकारी लोग आए थे, BDO साहब थे, CO साहब थे, थानेदार थे, जो लोकल में जो विधि व्यवस्था को देखते हैं। तो उनके बीच में जो आज हम सबों की तरफ से जो मांग हुई है कि जत्रा को कैसे हम लोग संचालन करेंगे व्यवस्था को लेके, तो इसमें बिजली, पानी, ट्रैफिक और जो दिन रात जो पुलिसिंग होती है देख रेख के लिए, और जत्रा के अंदर में कैसे सुरक्षा दिया जाए, इसको लेके सारी व्यवस्था हमारे बीच में आज BDO साहब हैं, CO साहब हैं और थानेदार सभी लोग आए थे। और इसमें जत्रा के अंदर में किसी तरह का भी अव्यवस्था ना हो, इसको लेके आज काफ़ी अच्छा मीटिंग हुई। और जितने भी पीने के लिए पानी, नहाने के लिए सुविधा इस तरह का, और जितने तरह का जो खेल तमाशा है उसमें किसी तरह का बदमाशी ना हो, उस पर भी समीक्षा हुई है। ड्रोन कैमरा चलेगा, CCTV रहेगा, और जितने भी इस बार वॉलेंटियर्स होंगे उसके बीच बीच में जो 25-25 लोगों का जो जत्था होगा उसमें एक एक वॉकी टॉकी भी होगा, जो समस्याओं के एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे। इस तरह के इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। तो हमारे बीच में हमारे BDO साहब भी हैं, उनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे। भीड़ भी लगेगी साहब, आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं, और जैसे अभी आज मीटिंग हुआ इसमें लोग जानना चाहेंगे कि भाई मुड़वा जत्रा, ऐतिहासिक जत्रा, इसमें क्या क्या बातें और क्या क्या चर्चाएं चल रही है। बहुत लोग नहीं आ सके हैं, वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे। सभी को जोहर। ऐतिहासिक मुड़वा जत्रा जो अभी 11 और 12 तारीख को इसी मैदान पर लगने वाला है, उसी की तैयारी के सिलसिले में आज यहाँ स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधिगण और हमारा ये जत्रा संचालन समिति के लोगों के साथ आज बैठक हुआ है। और इसमें 2-3-4 चीज़ों पर विशेष फोकस रहा है। पहला चीज़ है कि हमारा मेला में उपस्थित होने वाले जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं या दर्शक हैं, उनको बेसिक सुविधा उपलब्ध कराना, जिसमें पेयजल हुआ उसके पर हम लोगों ने पूरा चर्चा किया है। उसके अलावा बिजली या लाइट की व्यवस्था हो उस पर भी हम लोगों ने बातचीत किया। विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने कार्यभार दिया है, टास्क दे दिया है, वो लोग अपना काम करेंगे। उसके अलावा बाहर से आने वाले मेहमानों को रहने की, ठहराने का, फिर उसको खाने का अलावे, और उनकी जो और क्या सुविधा हम लोग दे सकते हैं आने जाने का, इस सारा चीज़ों पर भी डिस्कस हुआ है। इसके अलावा हमारा यहाँ जो मेला के दौरान जो विधि व्यवस्था को कैसे संधारित किया जाए, उस पर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के साथ बैठक किया है, और लोग को भी जो हर एक बिंदु पर चिन्हित पॉइंट पर उसका भी बता दिया गया है, और उस पर भी काम होगी। उसके अलावा यहाँ पर जो मेला के अंदर मैदान में मेला के दौरान बहुत सारे गतिविधियाँ होती है, उस गतिविधि जैसे खेल तमाशा हुआ या हमारा ये पूजा पद्धति होगी, कोढ़ा का यहाँ पर आना, कैसे प्रवेश करेगा या दुकान कैसे लगेंगे, इन सारी चीज़ों पर भी हम लोगों ने लंबा विस्तार से चर्चा किया है। और इस बार उन चीज़ों जो पुरानी खामियों को दूर करते हुए नए सिरे से नया तरीके से कुछ चीज़ों को हम लोग लागू करेंगे, जो मेला ऐतिहासिक रहेगा और अच्छा रहेगा, ये हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। उसके अलावा सराउंडिंग एरिया में जो भी है विधि व्यवस्था को लेकर के, आवागमन को लेकर के या लाइटिंग को लेकर जो भी तैयारी है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है। और भी अभी नए नए विचार हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, इसमें कुछ नया चीज़ ऐड करेंगे तो फिर उसको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे। इस तरह से अच्छे एक सौहार्दपूर्ण माहौल में आज चर्चा हुआ है, अच्छे विचार आए हैं, और हम लोग इसको लागू करने का हम लोग की चुनौती है, तो हम लोग सब मिल करके इसको लागू करेंगे, और जो भी सुविधा देने की बात हो हम लोग देंगे। तो फिर हम इस आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से, दर्शकों से मुड़वा मेला में खुशी से भाग लेने के लिए हम सबों को आमंत्रित करते हैं। शुभकामनाएं, जोहार जोहार।